चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक। पाठ एक में हम पढ़ेंगे अभियान गीत। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता पढ़ना है। भारत माता के बेटे हम सत्य सीना तान के, धर्म अलग हो जाति अलग हो वर्ग अलग हो भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसमें कवि बता रहे हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं, हमें हमेशा सीना तान के चलना चाहिए। धर्म अलग हो, चाहे हमारे धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएँ अलग हो। कई लोग पर्वत से आए हैं, तट से आए हैं, सागर से आए हैं, वन से आए हैं, मरुस्थल मैदानों से हम आए हुए हैं। सभी जो है वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, हम अपने धर्म को जाति को भाषाओं को छोड़ करके सबसे पहले क्या है, एक ही वर्दी में हम अपने देश के पहले बेटे कहलाएंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। दूसरा है, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रच करके हम ममता समता से अपनाए हैं, कुछ कर्ज चुकाने हैं हमको उन रच करके एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले हैं खाए हैं, उसी में हम पले बढ़े हुए हैं, जिसके रच करके हम ममता समता से अपनाए हुए हैं, जिसके कर्जों को हम अपने ममता और समता से अपनाए हुए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजगढ़ के एहसान के, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे महापुरुष थे, वो अपनी जान की आहूति देकर क्या किए हैं, हमारे देश को आज़ाद किए हैं, उसके रजगढ़ के एहसान को हम चुकाएंगे, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिस मातृभूमि की पूजा में सदियों से हम श्रम के फूल चढ़ाए हुए हैं, परिश्रम के हम फूल जो चढ़ाए हुए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगणित शीश कटाए हैं, जिस भारत माता की रक्षा में हमारे बुजुर्ग छोटे पुरुष लोग थे, वो क्या किए, महापुरुषों ने अनगणित शीश कटाए हैं और अपनी जान की बलिदानी दिए हुए हैं। हम रखवाले महापुरुष वाले गौरव के मान के, उन महापुरुष के गौरव जो हैं उसके मान के हम क्या हैं, हमेशा रखवाले रहेंगे, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। फिर है, हम गिर जाएं किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम गिर जाएंगे, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने देश के तिरंगे को, अपने देश की निशान को, शान को हम कभी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाएं किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान की, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम मिट जाएंगे किंतु नहीं मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सब आगे रहेंगे अवसर रहने पर अवसर बलिदान के, जब भी बलिदानी की अवसर आएगी हम सबसे आगे रहेंगे, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक सबर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हैं चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, जहां वीरता की बात आएगी वहां हम अपने जो विवेक है समर है उसको दिखाएंगे, जिसकी गाथाएं भारत के गांव नगर पर घर गाएंगे, जिसकी वीर की गाथाएं जो है उसको गांव शहर नगर घर आंगन जो है वो गाएगा, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, अनगिन जगह जगह की सभी चीज़ों की कंठों में क्या गूंजेंगे हमारे गान, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसके बाद है फिर हमारा ये शब्दार्थ, क्या आएगा, ये शब्दार्थ। मरुस्थल मतलब क्या होता है, मरुस्थल मतलब मरुस्थल, रजकण मतलब धूल के कण, मिट्टी के कण, रजकण मतलब धूल के कण, मिट्टी के कण, एहसान मतलब क्या होता है, एहसान मतलब भलाई उपकार, एहसान मतलब भलाई उपकार, सदियों
सदियों मतलब क्या होता है? 100 वर्ष। सदियों मतलब क्या होता है? 100 वर्ष का समूह, शताब्दी, उसे बोलते हैं। पौरुष यानी क्या होता है? पराक्रम, पुरुषार्थ, बलशाली। गौरव मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा, आदर, महिमा। निशान मतलब क्या होता है? चिन्ह, निशान मतलब चिन्ह। बलिदान मतलब आत्मदान, बलिदान मतलब आत्मदान। इसके बाद है वीरत्व, वीरत्व मतलब होता है वीरता, पराक्रम। विवेक यानी बुद्धि, समर यानी युद्ध। गाथाएं मतलब कहानियां, अनगिन मतलब अनंत, जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। उसके बाद है अभ्यास के प्रश्न, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है वो मैं आपको बता दूंगी कैसे टाइप से आपको लिखना है। उसके प्रकार जो इसमें से दो क्वेश्चन जो है वो आप अपने कविता में से ढूंढ करके लिख करके दिखाइएगा। ये रहा आप लोगों का होमवर्क।